हिंदुओं से जुड़ा हुआ और हिंदुओं के उपवास और हल्दीराम कंपनी से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है। हल्दीराम का एक प्रोडक्ट है जो कि नवरात्र के उपवास के लिए बनाया गया है। हरे रंग के इस उत्पाद में आप देखेंगे कि पूरा डिस्क्रिप्शन उर्दू में दिया गया है। इसमें उपवास करने वाला व्यक्ति होता हिंदू, उसको पढ़नी चाहिए या तो इंग्लिश या हिंदी, लेकिन डिस्क्रिप्शन दिया गया है उर्दू में। तो हल्दीराम इसमें ऐसा क्या छुपाना चाहता है? क्या ये किसी मास्क के द्वारा बनाया गया ऑयल का तो नहीं है, एनिमल ऑयल का तो नहीं है इसमें डाला गया, जो कि उपवास में डाला नहीं जाना चाहिए, या गाय का बीप बीप जैसा भी तो कोई कारण नहीं है जिससे छुपाया जा रहा है? क्योंकि हिंदू जो उपवास करता है उसको ये भाषा नहीं आती, और ये भाषा जिसको आती है वो उपवास नहीं करता है, तो फिर ये भाषा यहां पर क्यों? वैसे तो रंग पर भी आपत्ति होनी चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा है इस पर तो उर्दू लिखा है, लेकिन ये देखिए आलू भुजिया इसके ऊपर उर्दू नहीं है, ये देखिए साल्टेड पीनट नहीं है, ये देखिए आलू भुजिया दूसरा इसके ऊपर नहीं है। दूसरे लोग भी खाते होंगे लेकिन इस पर कहीं पर भी नहीं लिखा है। हमारे साथ इस मुद्दे को लेकर जो स्वयं ग्राहक आए हैं, हिंदू आए सनातनी, आप इनके पास गए, आपका नाम बताइए। विकास मेरा नाम है। इनके पास गए थे? इनके हेड ऑफिस गया सेक्टर 62 में नोएडा, लेकिन वहां मुझे किसी ने भी मिलने से मना कर दिया, किसी ने बात करने से मना कर दिया, अंदर ही अंदर कॉल ट्रांसफर होती रही, मुझे वहां से संतुष्टि नहीं मिली। मतलब नाम भी नहीं बताया? नहीं, तो नाम भी इसका मतलब छुपाने वाला है। हमारी टीम आपको लेकर अभी हल्दीराम जाएगी। थैंक यू।